नमस्कार दोस्तों, इंडिया की 30% ऑफ पॉपुलेशन जिस समस्या से जूझ रही है वो है मोटापा, ओबेसिटी। सो मोटापे को कैसे कम किया जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मोटापे को कैसे लाइफ टाइम के लिए कम किया जाए ये इम्पोर्टेंट है। सो मोटापे को कम करने के लिए हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके का यूज़ करता है। कुछ लोग डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ नुस्खों का यूज़ करते हैं, कुछ लोग वेयरिंग प्रोडक्ट्स के भरोसे चल रहे हैं, तो कुछ लोग मेडिकेशन की सहायता ले रहे हैं। आप ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या ये तरीके इफ़ेक्टिव हैं? क्योंकि अगर ये तरीके इफ़ेक्टिव होते तो इंडिया में 30% पॉपुलेशन तो मोटापे का शिकार नहीं होती। सो आइए इनके बारे में हम वन बाय वन इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जब हम इन्हें प्रैक्टिकली समझेंगे तभी हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें उसे समझना ज़रूरी है। सो आइए इन्हें हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन है डाइटिंग। अब कोई व्यक्ति किसी वीडियो को देख के मोटिवेट हुआ है या अंदर से खुद से इंस्पिरेशन आई है उसे अपने मोटापे को कम करने के लिए, और वो 2 से 3 महीने के लिए डाइटिंग स्टार्ट करता है। अब डाइटिंग वो 2 से 3 महीने के लिए जब स्टार्ट करेगा तो वो अपने वेट को ड्रॉप डाउन करेगा, ये तो सभी को पता है। वो अपने वेट को 5 to 10 kg ड्रॉप डाउन कर सकता है, बट क्या वो उसे हमेशा के लिए मेंटेन कर सकता है? जब वो वापस डाइटिंग को छोड़कर अपने पुराने शेड्यूल पर जाता है तो क्या वो उसे मेंटेन कर पाएगा? नहीं, बिकॉज वो क्या करता है, जब वो डाइटिंग कर रहा है तब तो उसने अपनी डाइट को आधा कर दिया है। अब वो डाइट को आधा करने से उसकी बॉडी कैटाबॉलिक मोड में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो 2 से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा इसे कर सकता है, क्योंकि इसे हम ज़्यादा करने से हमारी बॉडी स्टार्वेशन मोड में जा सकती है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। सो हम इसे ज़्यादा लंबे समय तक डाइटिंग नहीं कर सकते हैं। और 2 से 3 महीने में अगर आपने वेट ड्रॉप डाउन कर भी लिया है, सो उस वेट को पुट ऑन होने में जैसे ही आपने डाइटिंग छोड़ी तो 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा और वापस वो वेट पुट ऑन हो जाएगा। सो डाइटिंग इसका सही तरीका नहीं है। अगर आपको मोटापे को कम करना है सो डाइटिंग इसका सही तरीका नहीं है। तो हम बात करते हैं दूसरे तरीके पर। कुछ लोग मोटापे को कम करने के लिए कुछ नुस्खों का यूज़ करते हैं। क्या आपको लगता है कुछ नुस्खों का यूज़ करके आप अपने मोटापे को कम कर लेंगे? सुबह उठकर कुनकुने पानी के साथ लेमन लेके, जीरे का यूज़ करके, फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करके, हनी का यूज़ करके आप अपने वेट को कम कर लेंगे? अगर ऐसा होता और अगर यही इसी तरीके से अगर अपने मोटापे को कम किया जा सकता तो मुझे नहीं लगता आज के समय में कोई इंसान मोटा होना पसंद करता। सो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें सो ये भी तरीका मुझे सही नहीं लगता है अपने मोटापे को कम करने के लिए। सो अब हम बात करते हैं उस तीसरे तरीके की, जो है मेडिकेशन के द्वारा अपने वेट को कम करना। मेडिकेशन यानी कुछ टेबलेट्स खा के आप अपने वेट को कुछ समय के लिए कम तो कर सकते हैं, बट आपको ये पता नहीं है आपकी बॉडी को कितना हार्म हो रहा है वो जो आप टेबलेट्स खा रहे हैं। कुछ समय के बाद जैसे ही आपने वो टेबलेट्स खाना बंद कर दी, आपकी बॉडी वापस उतना ही वेट पुट ऑन कर लेगी और आप वापस वैसे ही दिखेंगे। सो ये पूरी तरह से वेस्ट ऑफ मनी है। और उसके बाद जो आपकी बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे वो अलग है। सो ये तरीका बिल्कुल ही बेकार है अपने मोटापे को कम करने के लिए। नंबर 4 आता है कुछ वेयरिंग प्रोडक्ट्स। मुझे ये समझ में नहीं आता कोई चीज़ पहन के कोई अपने वेट को कैसे कम कर सकता है। ये वेयरिंग प्रोडक्ट्स जो आते हैं ये सब मार्केटिंग का एक तरीका है। कुछ लोग, कुछ ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको टीवी में एक आदमी को पतला दिखा दिया, एक आदमी को मोटा दिखा दिया, उसी आदमी को पतला दिखा दिया उसी आदमी को। ये आजकल बहुत आसानी से किया जा सकता है, इफेक्ट के द्वारा ये आजकल बहुत आसानी से किया जा सकता है। सो आप अपनी मनी को गलत जगह इस्तेमाल ना करें, गलत जगह वेस्ट ना करें, और इन तरीकों से आप अपने वेट को कभी कम नहीं कर पाएंगे, आप मोटापे से कभी पतले नहीं हो पाएंगे। कुछ समय की खुशी हमेशा दुखदायी होती है। हमें कोई काम लंबे समय तक करना है, हमें मोटापे को हमेशा के लिए कम करना है। कुछ टाइम के लिए अगर हम मोटापे को कम कर दें और हम वापस वैसे के वैसे ही मोटे हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या निकला, उसका क्या बेनिफिट है? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप मोटापे को हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे, यानी जैसा आप स्टमक में डालोगे वैसा ही तो स्टमक आपको रिजल्ट देगा। आप ये स्टमक से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आपने कुछ अलग खा लिया और आपको रिजल्ट कुछ अलग मिल जाए? ऐसा रियल लाइफ में भी नहीं होता। ये प्रैक्टिकली भी सही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, जो आप खाते हैं ना, स्टमक या पूरी बॉडी आपको वही रिजल्ट देती है। सो आपको सबसे पहले अपने मोटापे को कम करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। आप कुछ भी कर लीजिए,
अगर आपको मोटापे को सही तरीके से हटाना है सो आपको ये करना पड़ेगा। सो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है। अगर आप अच्छा दिख सकते हैं, अगर आप फिट दिख सकते हैं, तो छोड़ने में प्रॉब्लम क्या है? आप उन्हें छोड़िए, कुछ समय के लिए ही छोड़ना है, कोई ज़्यादा समय के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर आप उसको धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, बट कुछ समय के लिए आपको क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या चीज़ अपनानी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो आपको सबसे पहले जो छोड़ना है वो है ग्रेन्स। कुछ समय के लिए आपको ग्रेन्स छोड़ना पड़ेंगे, कुछ समय के लिए आपको कोक छोड़ना पड़ेगी, आपको स्वीट्स छोड़ना पड़ेंगे, आपको तली गली चीज़ें छोड़ना पड़ेगी। आप इन चीज़ों को छोड़कर जिसमें भी हाई कैलोरी और हाई एनर्जी है, ठीक है इनमें हाई एनर्जी है मैं मानता हूँ, बट इनमें कैलोरी भी बहुत हाई है, आप एक दिन में इतनी कैलोरी बर्न नहीं कर पा रहे हैं जितनी आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो आपको ऐसे फूड कंज्यूम करना है जिसमें लो कैलोरीज हो और हाई एनर्जी हो। सो जब आप हाई एनर्जी फूड कंज्यूम करेंगे सो आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी वियरिंग प्रोडक्ट्स की, मेडिकेशन की या किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लो कैलोरी एंड हाई एनर्जी फूड कंज्यूम करें, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। लाइक आप सैलड का यूज़ करें, आप फ्रूट्स का यूज़ करें। आप अगर इन चीज़ों को छोड़ेंगे, ग्रेन्स को और इनको छोड़ेंगे, तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ठीक है फैट ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो। ऐसे फैट का यूज़ कीजिए जिसमें प्रोटीन का सोर्स भी मौजूद हो। लाइक आप पनीर ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप लीजिए। अपनी बॉडी में प्रोटीन के सोर्स को पूरा कीजिए और लो कैलोरीज फूड खाइए। आप देखेंगे आप कुछ ही समय के अंदर अपने मोटापे को इजीली कम कर पाएंगे, और ये जो मोटापा आप कम करेंगे ये लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है, ये लाइफ टाइम आपके साथ चलने वाला है, और आपको इसमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको जिम करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है आप जिम मत कीजिए, आपको योगा करना पसंद नहीं है आप योगा मत कीजिए, बट अगर आप थोड़ा सा खाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पर आप लो कैलोरी फूड्स के बारे में सर्च करेंगे तो इतने फूड्स आ जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। आपको जो जो चीज़ें आपको अवेलेबल है आप उनका यूज़ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप स्पेशल किसी चीज़ को लाइए, आप प्रोटीन पाउडर का डब्बा लाइए, आप प्रोटीन जैसे सोर्स लाइए, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके आसपास अवेलेबल है उन चीज़ों का यूज़ करें। उन चीज़ों का यूज़ करके ही आप आराम से पतले हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ बजट में होगी वही लंबे समय तक चलेगी। अदरवाइज अगर आप अपने बजट से ओवर जाकर कुछ चीज़ों को पाकर थोड़ा समय के लिए तो आप पतले हो जाएंगे, बट ज़्यादा समय के लिए वो चीज़ नहीं टिक पाएगी। कोई भी चीज़ को लंबे समय तक टिकाने के लिए हमें उसका हैबिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों के आदी हो गए, आप सैलड के, फ्रूट्स के, पनीर के, इनके अगर आप आदी हो जाते हैं तो आप लंबे समय तक अपने वेट को कम कर पाएंगे, कभी आपका मोटापा बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और ये वीडियो ऐसे लोगों को शेयर ज़रूर करें जो अपने मोटापे से परेशान हैं। धन्यवाद।